आगे कि शायद यहाँ कोई दिख जाए हमें, पर यहाँ भी कोई नहीं था यार। फिर यहाँ भी हमने थोड़ा बहुत जितना सामान था अभी ऊपर वाली शर्ट की जेब हम। गुड इवनिंग गेमर्स, वेलकम बैक टू माय लाइव स्ट्रीम। तो आज देखो हम दिखाएंगे तुम्हें भैया हाइड्रा की गलती के बारे में। देखो आजकल वैसे ही हाइड्रा की बहुत गलतियां लीक हो रही है, तो तुम्हें एक और गलती के बारे में दिखाएंगे। उसने सबसे बड़ी गलती ये करी कि वो मेरे मैच में आ गया, और उससे बड़ी गलती उसने ये करी कि उसने जब मेरा नाम देख लिया तो उसने लीव क्यों नहीं किया। तो भैया देखो तुम्हें पता तुम्हारा भाई है पिरो, तुम्हारा भाई करता है हॉट ड्रॉप, तो हमने हॉट ड्रॉप किया प्रिजन में। ऐसा नहीं है हम डरते हैं इसलिए प्रिजन जा रहे हैं, हमें पता है आजकल बहुत कांड चल रहे हैं हाइड्रा को लेके, तो हमें लगा वो जेल में होगा तो इसलिए हमने प्रिजन में किया हॉट ड्रॉप उनको पीटने के लिए। लेकिन उड़ते उड़ते एक हमारे लौंडे का पेट खराब हो गया, तो उसको खुले में शौच करना, तो हमने यहाँ खेतों में उतरवा दिया कि अच्छे से जाके खेतों खुतों में पीछे फट्टे के पीछे अगले, और अगने के बाद फिर हम गाड़ी गुड़ी लेके धो धो के चलेंगे फिर प्रिजन उसको मिलने डायनमो को। देखो तुम्हारा भाई है सलमान भाई का फैन, तो तुम्हारे भाई के फिजिक्स पहले तो पढ़ती है, तो तुम्हारा भाई उड़ाते उड़ाते गाड़ी लेके जाता है प्रिजन के अंदर और दाल मखनी लैंडिंग करता है। भाई तुमने आज तक ऐसी लैंडिंग देखी नहीं होगी, बिल्कुल सेक्सी लैंडिंग। और उसके बाद हमारा जो काम है वही करेंगे भैया, हम पोछा मारना शुरू करते हैं, जेबें वेबे सब आगे वाली पीछे वाली जेब सब भर लेते हैं, बैग वैग सब भर लेते हैं, और अगर जगह ना मिले तो थोड़ी बहुत बंदूकें और गोलियां गार्ड में भी रख लेते हैं अपनी। भैया कभी भी इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है, इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। रेंगल की जेल मैंने छान ली थी, मैंने एक एक खिड़की अपने आप चेक करी, वहां तो डायनेमो को रखा नहीं होता, एक्सपोज के ऊपर पता नहीं अब कहां रखा होगा। तो हम फिर गाड़ी गुड़ी उठा के भैया ढूंढने चल पड़े। प्रिजन में तो कोई मिला नहीं, तो हम अपनी लैम्बोर्गिनी उठा के भैया शेल्टर के अंदर आ गए कि शायद यहाँ कोई दिख जाए हमें, पर यहाँ भी कोई नहीं था यार। फिर यहाँ भी हमने थोड़ा बहुत जितना सामान था अभी ऊपर वाली शर्ट की जेब हमारी खाली, तो वो भी हमने भर ली भैया सामान उठा के। काफी बेसहारा सा फील करने लगे थे भैया, डायनेमो कहीं दिख नहीं रहा था। इतनी देर में क्या हुआ भैया, हम सीधा सीधा गाड़ी भगा रहे थे और सामने से अपनी लैग, और जब भी लैग होती है भैया लौंडे होते हैं, और दिखी हमें भैया दो दो स्कॉर्पियो। डायनेमो तो अपने बॉडीगार्ड्स लेके साथ घूम रहा था, एक गाड़ी में डायनेमो को रखा होगा पुलिस वालों ने, दूसरी में उसको। और तुम्हारा भाई सलमान भाई का फैन, ड्राइविंग तुम्हारा भाई कर रहा था। अब गलती देखो निकालेंगे ड्राइवर की, अब खुले में एम्परर बैठ के हगेगा तो कुचले जाएगा कि नहीं कुचला जाएगा। अब यहाँ सब गलती निकालेंगे ड्राइवर की, ये नहीं दिखेगा किसी को बंदा ऊपर में बैठा था, अब सारे बोलेंगे ड्राइवर की गलती है जो लौंडा उड़ा दिया। इतने में हमारे हाथ से दूसरा बंदा भी इनका चढ़ गया, निमरोड के नॉक होते हमारे सामने आया भैया न्यूक्लियर, मानना पड़ेगा नागमणि का असली रखवाला तो भैया न्यूक्लियर नागिन डांस करने लग गया हमारे सामने लेट कर। नागमणि के रक्षा के चक्कर में हमारे दो लौंडे पीट के चला गया। इतने में हमारे एक बंदे ने झुकाया और यहाँ बना, और इनका आखिरी बंदा गजब भैया पार्क में आया हुआ टहल रहा आराम से हमारे सामने, तो हमारे बंदे ने भी स्पाइडर मॉन बन के ठिला दिया उसको। तो इतने में होगी स्क्वाड वाइफ, उसके बाद जो हमें खुशी हुई भैया तुम अपनी आंखों से देख लो। फिर हमें पता चला कि निमरॉड जो था हमें मारना नहीं चाहता था, वो तो आपसी सहमति से चुदने आया था, गन अपनी पीछे रख के जंपे जंपे बिग फैन कर रहा था भैया। आप देखो लड़ाई के अंदर नहीं पता चलता हमें कौन हमारा बिग फैन है कौन हमारा वेरी बिग फैन है, क्योंकि स्मॉल फैन तो हमारे है नहीं ना कोई। हमारे साथ साथ इन गाड़ियों की भी सेक्स पार्टी हो गई यहाँ पे। इतने में आया भाई सामने से एक और गाड़ी, मेरे रिवाइव होने की देर थी। फिर उसके बाद तो तुम्हें पता तुम्हारा भाई देखो एक एक को पेलेगा, एक एक को, इन्हें लगता है अब ये बीच में ऐसे रस करेंगे थर्ड पार्टी करेंगे तो हमको मार देंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सिर्फ दो बंदे नॉक थे, तीसरा भी चलो नॉक था हमारा, तो मैं अब करूंगा 1v4 क्लच, आगे जाती AKM की दाल मखनी स्प्रे पैन जो मेरे को ही मार गया। तो इनको सही लगता था ये हमको मार सकते हैं थर्ड पार्टी करके, बिल्कुल सही। लेकिन देखो हमें मरने का दुख नहीं था क्योंकि तुम्हारे भाई ने मारा हाइड्रा वालों को, तो तुम्हारे भाई को मिल चुकी है अब क्लिकबेट क्लिप। अब तुम्हारा भाई थंबनेल में लगाएगा डायनेमो, तो चाहे वो था मैच में नहीं था लेकिन लगाएगा डायनेमो की फोटो ताकि और व्यूज आ सके। तो यार बस आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर मारना। अगर और तुम ऐसे ऐसे हाईलाइट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर तुम पिरो टिप्स चाहते हो लाइक स्नाइपिंग सीखना चाहते हो या मेरी तरह दाल मखनी स्प्रे देना सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर लो, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, वहां तुम्हें टिप्स दे दूंगा। अरे सराउड यार तेरे को बोला था ना बेंच संडे को सिखाऊंगा, हाँ सराउड, अरे संडे को सिखाऊंगा यार स्नाइपिंग, मेरे से नहीं रोज रोज सिखाई जाती।